पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान ने 22वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भारत से नवजोत सिंह सिद्धू इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और अभिनेता जावेद शेख समेत कई बड़ी हस्तियां भी इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। इस्लामाबाद में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम पद की शपथ लेने के साथ ही इमरान खान पाकिस्तान के नए सुल्तान बन गए। कभी क्रिकेट की पिच पर अपनी तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने वाले और टीम के कप्तान रहते हुए पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले इमरान के हाथों में अब पाकिस्तान की कमान है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चीफ इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जहां भारत से नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम और अभिनेता जावेद शेख समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इसके अलावा इमरान खान की पत्नी बुशरा मेनका और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस्लामाबाद में हो रहे इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। बता दें कि शपथ से पहले जब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संसद में बहुमत साबित किया, तो इस दौरान इमरान खान ने वादों की झड़ी लगा दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कुल 336 सीटों में से इमरान खान को बहुमत के लिए 173 सीटों की जरूरत थी। नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने ऐलान किया कि 65 वर्षीय इमरान को 176 वोट मिले, जबकि उनके विरोधी शहबाज शरीफ को 96 वोट हासिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद संसद में अपने पहले संबोधन में इमरान ने पाकिस्तान को लूटने वालों को सख्त हिदायत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि मैं आज अपने मुल्क से वादा करता हूं कि हम वो तब्दीली लाएंगे जिसके लिए ये मुल्क लंबे समय से कोशिश करता रहा है। इमरान ने कहा कि हमें इस देश में सख्त जवाबदेही कायम करनी है। मैं वादा करता हूं कि मैं पाकिस्तान को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जिस काले धन को सफेद किया गया है मैं उसे वापस लाऊंगा। जो पैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पर खर्च होने चाहिए थे, वे लोगों की जेब में चले गए। बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव हुए थे, जिसमें इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 116 सीटें जीती, लेकिन इमरान समेत कुछ उम्मीदवारों के एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी को 6 सीटें छोड़नी पड़ी। हालांकि चुनाव आयोग ने पीटीआई को 9 सीटें अल्पसंख्यक कोटे की और 33 सीटें आरक्षित कोटे की दी, जिसके बाद उनके पास कुल 152 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए पीटीआई ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल की। बहरहाल अब देखना होगा कि इमरान के पाकिस्तान का नया सुल्तान बनने के बाद क्या पाकिस्तान के आंतरिक हालात सुधरेंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान जाने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा तंज कसा है। विज ने ट्वीट कर सिद्धू पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि एक तरफ देश अटल बिहारी वाजपेयी के शोक में डूबा है, तो दूसरी तरफ सिद्धू पाकिस्तान में इमरान खान के जश्न में शामिल हो रहे हैं, जो शर्मनाक है। शनिवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान ने अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। इमरान खान ने शनिवार सुबह इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के मंत्री और भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे थे। भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर चली आ रही तल्खी के बीच सिद्धू का इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना भारत में कई लोगों के गले नहीं उतरा। तो वहीं एक दिन पहले ही जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल जी के निधन के शोक में जब पूरा देश डूबा था, ऐसी स्थिति में सिद्धू का पाकिस्तान पहुंचकर इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना कम से कम बीजेपी को तो बिल्कुल रास नहीं आया। और यही वजह है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर सिद्धू के इस कदम को अति शर्मनाक करार दिया। अनिल विज ने अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पंचतत्व में लीन होने पर राष्ट्रीय शोक और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मना रहे हैं, अति शर्मनाक। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पंचतत्व में लीन हो जाने पर सारा देश आज शोक में डूबा है। देश में राष्ट्रीय शोक
घोषित किया गया है और पंजाब के एक मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न मना रहे हैं। अति निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। माना नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती है, पर क्या उस दोस्ती देश से बड़ी हो गई? पंजाब सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उधर सिद्धू के इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर विवाद तब और बढ़ गया जब सिद्धू के पाक सेना प्रमुख बाजवा से गले मिलने की ये तस्वीर सामने आई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तलखी के बीच सिद्धू का पाक सेना प्रमुख से गले लगने की ये तस्वीर कांग्रेस के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है, क्योंकि सिद्धू इस वक्त न केवल कांग्रेस में है बल्कि पंजाब की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी है। अनिल विज ने बयान दिया है कि सिद्धू जी वहाँ पे जस्ट मना रहे हैं प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण, जबकि राष्ट्रीय शोक है। मेरी आपसे ये राय है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें गंभीरता से मत लिया करें। ये आपके चैनल और पूरे प्रदेश हरियाणा के लिए अच्छा होगा। गौरतलब है कि इमरान खान की पार्टी ने शुक्रवार को सदन में बहुमत साबित किया था, जिसके बाद शनिवार को इस्लामाबाद में इमरान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में इमरान खान ने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव, सुनील गावस्कर, आमिर खान और नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया था, लेकिन सिर्फ सिद्धू ही समारोह में शामिल होने पाकिस्तान पहुंचे, जो अब बड़ा विवाद का कारण बन गया है। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज।